इंडस्ट्री में ना जाने कितने अभिनेता आकर चले जाते हैं, लेकिन उन सभी अभिनेताओं में से कुछ ही दर्शकों के दिलों पर राज करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। उनमें से एक अभिनेता है गुरमीत चौधरी, जिन्होंने कभी सीरियल रामायण में भगवान श्री राम बनकर तो कभी पुनर्विवाह सीरियल में यश बनकर अपने सादगी भरे अंदाज से दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट किया है। और यही वजह है कि आज भी इनकी गिनती टीवी के फेमस और रिच अभिनेताओं में की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि अपनी मेहनत और मशक्कत के दम पर दौलत और शोहरत को गले लगा चुके अभिनेता गुरमीत चौधरी को एक समय पर बेवफाई का सामना भी करना पड़ा था। जहां इन्हें दगा देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि इनकी खुद की धर्मपत्नी थी। इन्हें उस मोड़ पर धोखा दिया था जब इनकी काफी ज्यादा इन्हें जरूरत थी। तो इसलिए आज के बाद इस वीडियो में हम आपको गुरमीत चौधरी की दौलत शोहरत और पत्नी से मिली बेवफाई की दास्तान से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी यही कहेंगे ओ माय गॉड। लेकिन इन सभी बातों से रूबरू होने से पहले आप इस दमदार कलाकार के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 22 फरवरी 1984 को चंडीगढ़ में जन्मे अभिनेता गुरमीत चौधरी की सारी पढ़ाई चेन्नई के जबलपुर से हुई थी, जहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने तुरंत ही मुंबई की तरफ अपना रुख किया और साल 2008 में आए धार्मिक शो रामायण से अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद ये गीत हुई सबसे पराई, पुनर्विवाह और कुमकुम एक प्यारा सा बंधन जैसे कई तमाम सीरियल्स में अभिनय करते हुए नजर आए थे। वहीं टीवी इंडस्ट्री में अपने अभिनय के छाप छोड़ने के बाद इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा है और आज भी ये इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, जो कि जल्द ही द वाइफ फिल्म में नजर आने वाले हैं। बहू, आपको बता दें कि जहां ये टीवी सीरियल्स में काम करने के लिए भी 80 से 1 लाख रुपए तक चार्ज करते थे, तो वहीं अब ये मूवीज में काम करते हैं तो अपनी एक फिल्म का ये 3 से 4 करोड़ रुपए आसानी से चार्ज कर लेते हैं। और अपनी इसी मोटी कमाई के जरिए इन्होंने आज 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है, जिसमें इनकी प्रॉपर्टी में मलाट में 5 करोड़ रुपए का एक बंगला शामिल है, जो दिखने में बेहद सुंदर तो है ही, और साथ ही साथ गुरमीत चौधरी ने ना उसे काफी ज्यादा लग्जरियस चीजों के साथ डेकोरेट भी किया है। इसलिए इनका ये बंगला बिल्कुल 5-स्टार होटल की तरह नजर आता है। अब इनके आलिशान घर को देखकर आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं ना दोस्तों कि गुरमीत अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके से एंजॉय करते होंगे, चाहे फिर बात इनके एक्सपेंसिव क्लोथ्स कलेक्शन की हो या फिर बात हो इनके शूज कलेक्शन की, जहां इनके एक नॉर्मल कपड़े की कीमत भी 50,000 रुपए तक पार कर जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इनका शू कलेक्शन भी 30,000 रुपए का आंकड़ा क्रॉस करता है, क्योंकि ये रॉल्फ लॉरेन और फेंडी जैसे ब्रांड के शूज ही पहनते हैं और साथ ही इनके पास टोयोटा, मर्सिडीज और एमजी हेक्टर जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि दौलत और शोहरत हासिल करने वाले इस अभिनेता की वाइफ ने इन्हें धोखा दे दिया। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि रामायण सीरियल में काम करने के दौरान ही ये अपनी को स्टार यानी कि दबीना बनर्जी के प्यार में गिरफ्तार हो चुके थे, जहाँ दबीना बनर्जी भी इनसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। इसी के चलते इन्होंने उसी साल यानी कि 2012 में ही शादी रचा ली, जहाँ शादी के तुरंत बाद ही दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन उसी बीच उनकी पति दबीना बनर्जी और उनके को स्टार विपुल रॉय के बीच लव की खबरें मीडिया में जमकर वायरल हो रही थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रही हैं। लेकिन जैसे ही अभिनेता गुरमीत चौधरी को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने घर की बातों को दबाने के लिए मीडिया से बातचीत करके उन सभी खबरों को झूठा करार दे दिया। लेकिन उन्हें इस बात से तो काफी ज्यादा झटका लगा ही था। इनफैक्ट ये तो दबीना बनर्जी को तलाक देने तक के लिए उतारू हो गए थे, लेकिन इनकी वाइफ दबीना बनर्जी ने इनसे माफी मांगी और कसम खाई कि वो आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करेंगी, जिसके बाद से आज का दिन है कि उन्होंने कभी किसी दूसरे शख्स की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गुरमीत ने अपनी वाइफ यानी दबीना बनर्जी को माफ करके सही किया या फिर गलत? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ऐसे दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।